ईश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोहिणां निधजे सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः गणपतिगं भवामहे कविं कवेजापुपमश्रवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आडश्रण्मं सारे बच्चे तो मर गए। नहीं मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं 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 मेरा बेटा नहीं मर सकता, नागर मेरा बेटा नहीं मर सकता, नागर नागर मेरा बेटा नहीं मर सकता, बंटी नहीं मर सकता, अपने आप को संभालो बंटी, अपने आप को संभालो, चलो संभालो अपने आप को संभालो जी, अपने आप को संभालो। बीस साल पहले इनके बच्चे इसी स्कूल में जलकर मर गए थे। बेचारे उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कराते हैं। साहब ये बड़े साहब है। ये तुम नहीं जानते, तुम अभी नए हो। ये बड़े नामचीन ऑफिसर हैं, पहले यहीं एसपी थे, फिर इनका पंजाब में ट्रांसफर हो गया। जानता हूँ, 20 साल के बाद यहाँ वापस आए हैं। पंजाब में आतंकवाद का सफाया किया है और अब यहाँ क्राइम का सफाया करने फिर आ गए हैं। अच्छा अच्छा, उसका क्या हुआ? सर कल शाम तक आपको करंट क्राइम रिपोर्ट और ब्लैक लिस्टेड मुजरिमों की फाइल मिल जाएगी। सर आपका लंच का वक्त हो गया, अब आप आराम कीजिए। इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म पहनने के बाद आराम हराम हो जाता है। जब क्रिमिनल्स आराम नहीं करते तो हम आराम कैसे कर सकते? अरे साहब से मिलना है मुझे। अरे भाई अंदर आने दो उसे, भेजो उसे अंदर। सुन लिया, क्यों हो गई छुट्टी? क्या क्या बुला रहे हैं? तलवट मार। सलाम सलाम, तब वो हवन कराते साले, वो लूट मार करते फिरते और फिर हवन कराते हैं साले। तब तब आप तो पुलिस वाले हैं ना साहब, उन्हें पकड़ो ना साहब। हाँ हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है, तुम फिक्र मत करो, उन्हें जरूर सजा मिलेगी। हमने काबिल अफसर अमर को शहर में बुला लिया है। अच्छा साहब, सलाम, चलता हूँ। सब सब बोतल खत्म हो गई, सब 20 रुपए दो ना, 10 रुपए पीने का। ऐसे नहीं जाओगे हैं सर? सब वहाँ साहब 20 रुपए ये लो। सलाम साहब, ये यहाँ छोड़ दूँ? साथ लेके जाओ, साथ लेके जाओ, उठाओ यहाँ से जाओ। सलाम साहब, भला टली। सर आप इस आदमी को मुंह मत लगाइए, ये यूं ही बकवास करता रहता है। सर ये पागल है। मुझे मालूम है ये पागल है, जिन लोगों ने इसे पागल बनाया है ये उन्हीं की तलाश में भटक रहा है। दरअसल मुझे हमदर्दी है इससे, इसीलिए मैं इसे पैसे देता हूँ। हाँ सब धंधे बंद कर दो, मटके के दारू के जुए के सारे क्लब एक महीने के लिए बंद कर दो। अबे सवाल मत करो, धंधे बंद तो बंद, चरस अफीम गांजा सब के सब धंधे बंद कर दो। नागर क्या बात है, ये सब धंधे क्यों बंद करवा रहे हो? शहर में एक नया खतरनाक पुलिस ऑफिसर आया है, जहां भी जाता है काले धंधे वालों की सांसें तक अपनी कब्जे में ले लेता है।
अबे नागर पागल हो गया तू? अरे यार ऐसे कितने इंस्पेक्टर आए कितने गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, धंधा बंद करवाने चला। अरे साले को ठिकाने लगवा देते हैं ना। अरेस्ट कैसे कर सकते हो तुम मुझे? मेरे गिरफ्तारी का वारंट है। अपना काम करने का स्टाइल जरा इंग्लिश है। वारंट है दिखाऊं? कैसा लगा मेरा वारंट? पसंद आया? अपना काम करने का स्टाइल जरा इंग्लिश है। ये तूने अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर, तू मेरे पहुंच वालों को नहीं जानता। तेरी पहुंच वालों को भी यहीं पहुंचा देता हूं, सभी कुत्ते एक ही पिंजरे में रहेंगे। क्या बोला? वो दो कौड़ी का इंस्पेक्टर का ये जुर्रत? हाँ, नागर को लॉकअप में डालने के बाद वो मुझे भी अरेस्ट करने के लिए आया था, लेकिन मुझे उसके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। घर का चप्पा चप्पा छान मारो, चलो तलाशी लो। डरा, तुम्हारे पास तलाशी का वारंट है? हाँ है। अब एक भी लफ्ज जबान से निकाला तो गोली तेरे भेजे गए पार कर दूंगा। अपना काम करने का स्टाइल जरा इंग्लिश है। चलो तलाशी लो। मेरी खबर के मुताबिक तेरे घर में सोना होना चाहिए, हीरोइन होनी चाहिए। सर इसमें हीरोइन है। सर इसमें सोना है। इसलिए तुम्हें वारंट देखने का कीड़ा काट रहा था। हथकड़ी लाओ। जाओ तुम लोग। चलो। चलिए महाशय। यह हथकड़ी तुमको बहुत महंगा पड़ेगा इंस्पेक्टर। पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले तुम्हारी वर्दी उतर जाएगा, याद रखना। यह गोल्ड और हीरोइन के धंधे में जितना हमारा हाथ है उतना ही हाथ गृह मंत्री का भी है। एक मिनट जरा फोन दीजिएगा। हेलो, कैन आई स्पीक टू होम मिनिस्टर प्लीज? आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एंटी करप्शन। हाँ सर, एक मिनट। पुलिस स्टेशन
मैं इंस्पेक्टर अमर बोल रहा हूं। गृह मंत्री जी, अब मंत्रालय की कुर्सी नहीं, जेल यात्रा होगी तुम्हारी। सुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन आए रे। मैं इस तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हें भी हथकड़ी पहनाने आ रहा हूं। बी रेडी। वर्दी उतरवा रहा था मेरी, अब मैं तुझे नंगा करके पहले मंत्रालय तक, फिर पुलिस स्टेशन तक कुत्ते की तरह घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देखो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर साहब। हाँ ठीक है, देखा इंस्पेक्टर साहब, इस बार हम इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। यह सब हुआ तो हमारा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। हम हाथ जोड़ता है, हमारी इज्जत से मत खेलो। इसके बदले में तुमको जो चाहिए हमसे मांग लो। 10, 20, 50, 1 करोड़। बस एक, मतलब हमारा इज्जत बच जाएगा। देखो अगर 5 तक हो जाए तो 5-5 दे दिया। तो लाओ, अभी लाता हूं। चाहे तो गिन लीजिए। अरे गिनने की क्या जरूरत है, बात जब इज्जत पे आ जाए तो दिल में हेरा फेरी नहीं आती है। अपना काम करने का स्टाइल जरा इंग्लिश है। अरे हाँ एक बात बताना तो भूल गया पीताम्बर साहब, वो मेरे साथ जितने भी लोग आए थे ना, उनमें से कोई भी पुलिस वाला नहीं था। जो हीरोइन ले गया था हीरोइन का काम करता है, जो सोना ले गया था वो सोने का काम करता है। उसमें के सभी नकली थे सिवाय एक, मैं असली। पीताम्बर साहब एक बात बताओ, इतना बड़ा हेरा फेरी का काम करते हो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करो। अरे हमारी जरूरत क्या कि हम गृह मंत्री से इतनी ऊंची आवाज में बात करें? हाँ वो भी झूठा था क्या? हाँ अपना काम करने का स्टाइल जरा क्या इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश है। अरे बाप रे, ए साहब था 20 रुपए दो ना मेरे को। अरे 20 रुपए क्या मांगता यार, ये ले अश्कर। साहब सलाम साहब, इतने सारे नोट क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ चल निकल। 1, 2, 3, 4 जय गुजरात, जय महाराष्ट्र। हाँ ठीक है ठीक है, चल। जय बंगाल, जय इंसाफ, जय। हेलो अमर, मुझे पहचानो अमर। मीना क्या हो गया तुम्हें, कहाँ से बोल रहे हो तुम? घर से, मेरी जान खतरे में है। मीना नहीं है ना? अरे इंतजार करवाते हो? क्यों क्यों प्यार किया था मुझसे, अब इंतजार करवाओगे? प्रॉमिस। and
के 17 मिनट हो गए। मैं ड्यूटी छोड़ के आपके सामने खड़ा हूँ। अगर आपने आंखें नहीं खोली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जय काल भैरव नाथाया नमः। बोल बच्चा, कष्ट बोल। बाबा, हम कमिश्नर पियालाल, हमने डाकू काना कन्हैया की दोनों आंखें खोल के उसको अंधा कन्हैया बना दिया। हमने डाकू लंगर सिंह के दोनों हाथ खोल के उसको लूला सिंह बना दिया। हमने समाज के बड़े बड़े खतरनाक लोगों से समाज का पीछा छुड़वाया, लेकिन अब पियालाल से हमारा पीछा नहीं छुड़ा सके बाबा। पियालाल ने हमारी इज्जत, हमारी पोजीशन, हमारी जान पे एक तूफान बन के मंडरा रहा है। बाबा, आप मुझे पियालाल से बचा दीजिए, आप मेरी जान को बचा दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बाबा। पियालाल कौन? पियालाल हमारा जुड़वा भाई, समाज के कलंक, इंसानियत के दाग। वो भाई नहीं, कसाई है कसाई। वो हमें बलि का बकरा बना के हलाल करना चाहता। लेकिन बालक, यहाँ भूत पिशाचों से पीछा छुड़ाया जाता है, जिंदा इंसानों से नहीं। लेकिन हमने कब कहा कि वो जिंदा है? अरे वो जिंदा था तब तो सिर्फ मुसीबत था, मर के तो वो आफत बन गया। उसकी आत्मा जब जाए करके हमारे अंदर घुस जाती है और हमसे ऐसी ऐसी हरकतें करवाती है कि हमको तो बताते हुए शर्म आती है। अब तेरी सब समस्या हमारी समझ में आई, तेरी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। आती अमावस की रात को यहाँ आना। आती अमावस की रात को? इससे पहले कुछ नहीं हो सकता बच्चा। हमारा श्राप तो हो सकता है ना बाबा, अगर जिंदा रहे तो आएंगे, वरना आप ही हमारे श्राप का भोजन खाने पधारिएगा। जय जियालाल। जय काल भैरव नाथ नमः। पियालाल, यहाँ गाड़ियाँ मुश्किल से पहुँचती है, तू गधे पे बैठ के पहुँच गया। अरे तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे जियालाल? जहाँ देखो वहीं पहुँच जाते हो। पियालाल, बिजनेस किए ही हो रहा है लाल, अदब से बात कर वरना घुस जाऊंगा। अभी मुझे मालूम है तू यहाँ तांत्रिक के पास क्यों आया था। बचपन में तुम बाथरूम में घुस जाते, जवानी में तुम लेडीज हॉस्टल में घुस जाते, मरने के बाद भी तुम्हारी घुसने की आदत गई नहीं। कुछ नहीं मिलता तो मुझ में घुस जाते। मैं तो घुसूंगा, घुसता रहूंगा। ये तांत्रिक तो क्या, तू चाहे तांत्रिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट लिया, मुझे तेरे अंदर घुसने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब अमावस के बाद भी तुम हमारे अंदर घुसना नहीं छोड़ोगे? पुलिस में काम करते करते साहब को क्या हो गया? घोड़ा, गधा, कुत्ता कुछ भी नहीं देखते और बतियाने लगते हैं। जब अभी अमावस को तांत्रिक सारे रास्ते बंद कर देगा, फिर देखता हूँ तुम अंदर कैसे घुसते हो। कौन घुसेगा सर, गधा? Shut up! तो कमीना देवा हमारा सारा सोना लूट के ले गया, और तुम साला लोग उस साले का लाश लाने के जगह ये मनहूस कबर हमारे पास लेके आया। साला कमीना देवा, अब इस साले का कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। क्या बात है शेखो, तुम्हारा तारीफ हमें इधर खींच लाया है।
तारीफ या जरूरत। यह हमारा रास्ते का काटा है, इसे रास्ते से हटाना है। यह रहा एडवांस, बाकी काम होने के बाद। डन। बकीरा, गोपाल और उस्मान, इसे अच्छी तरह पहचान लो और ढूंढो इसे। तू ले तेरे ढूंढने की मुश्किल आसान कर दी मैंने, मगर अब तू मुश्किल में पड़ जाएगा। Yeah!
पार्टनरशिप, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, मैं तुम लोगों के लिए काम करूंगा, लेकिन मुनाफे में मेरा 40%, बाकी तुम लोगों का। लेकिन देवा, हमको मंजूर है। समझदार हो। मुझे गरम चाय, गरम दूध और गरम हर चीज से नफरत है, ओके? जी। और आइंदा जो भी चीज लाओ वो सोच समझ कर लाओ और ठंडी करके लाओ, अंडरस्टूड? पाटिल। जी सर जी। इस तरह से बर्तन तो मेरे घर में तभी फेंकते हैं जब मैं अपनी बीवी को पगार देर से देता हूँ। जी सर जी, ये तो रोज का नाटक है। अच्छा। डीआईजी साहब की बेटी का एंट्री सिग्नल है साहब जी। चल चल मेरे राजा, सारी दुनिया जल उठेगी कि ये हूर किस लंगूर के पीछे बैठी है। ए, चल उतार नीचे, उतार। अरे तू तो ऐसे अकड़ रहा है जैसे मैं मोटरसाइकिल पर नहीं तेरे सर पर चढ़ी बैठी हूँ। सीधे से उतरती है या घुमा दे जालिम, घुमा दे। सर हमें भी तो घुमा दे, दुनिया भर के आशिक माशूकाओं को पटाते हैं और उन्हें मोटरसाइकिल कारों में घुमाते हैं, सर हमें भी तो घुमा देना। अच्छा। अरे तेरी तो किस्मत अच्छी है कि मैं तेरे पास पटी पटाई हूँ, चल डाल गियर में। साला गियर डालने को बोला और गरम रेत पर मुझे डाल के चला गया। गुड मॉर्निंग सर, इंस्पेक्टर अमर कुमार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। थैंक यू सर, आपने मुझे याद किया सर। हाँ भाई, तुमने शहर में आते ही हंगामा कर दिया, हम तुम्हारी ही फाइल देख रहे हैं। तुम जहाँ भी जाते हो धमाल कर देते हो। क्या हुआ सर? हाँ तो इससे पहले तुम कहाँ? जी सूरत में। सूरत? सूरत में कहाँ पे? जी मेन मार्केट में। मेन मार्केट में एग्जैक्टली कहाँ पे? सर वहाँ एक जूते वाली दुकान है उसके ऊपर। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? जी मेरी शादी कुछ ही दिन पहले हुई है। शादी? वेरी गुड वेरी गुड। तो इससे पहले तुम कहाँ? जी सूरत में। सूरत में कहाँ पे? जी मेन मार्केट में। लेकिन मेन मार्केट में एग्जैक्टली कहाँ? जी वो जूते वाली दुकान के ऊपर। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? जी मेरी अभी अभी शादी हुई। वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हारी रिपोर्ट काफी है। अच्छा ये बताओ कि इससे पहले तुम कहाँ? इससे पहले तुम कहाँ थे? जी सूरत में। सूरत में कहाँ थे? सर मेन मार्केट में। मेन मार्केट में एग्जैक्टली कहाँ? सर वहाँ एक जूते वाली दुकान है उसके ऊपर। तुम्हारे कितने बच्चे? सर मेरे बच्चे नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हारी फाइल बहुत ही अच्छी है, तुम बहुत तरक्की करो। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले तुम अरे बाप रे बाप, पका दिया, पागल कर दिया एक ही सवाल कर करके। यस जी जी सर, इससे पहले मैं सूरत में रहता था मेन मार्केट में एक जूतों वाली दुकान के ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर। मेरे बच्चे नहीं है क्योंकि मेरी शादी अभी हुई है। कितने होनहार इंस्पेक्टर हो, मेरे सवाल करने के पहले ही सारे जवाब दे दिए। जी वेरी गुड वेरी गुड।
फोर्स में और भी कुछ आया। इंस्पेक्टर अमर, मैं तुमसे एक बात पूछना भूल गया। इससे पहले तुम कहा दरवाजा खोल। ए, ए गाड़ी वाले बाबू, ए गाड़ी वाले बाबू, 20 रुपए देना। ₹20 दे। बहुत माल अंदर किया है। 20 रुपए तो देता जा। सोना देकर माल ले लेना, जरा संभल कर, दुश्मन पीछे है। अच्छा तेरा चारा पानी बंद। 4 दिन बंधा रहेगा ना तो सारी जवानी का जोश निकल जाएगा तेरी, समझा ना। क्यों, कोई हड्डी पसली टूट गई क्या? मतलब ये कि आज अपुन ने तेरे इस घोड़े को दारू पिलाया है। दारू? क्योंकि मैं चाहती थी कि तेरी हड्डी पसली टूटे और मैं तेरी सेवा करूं, ताकि तुझे ये एहसास हो सके कि मैं तुझसे कितना प्यार। अरे जा कोई और ढूंढ जो तुझ जैसी खिसकली के चक्कर में आ सके। प्यार करेगी साली। ए, ए राजा। अबे ओ राजा, बाहर निकल। फिर से आ गई। बाहर निकल जरा, देख तेरी ऐसी की तैसी कंधे आई है तानिया। अबे अंदर से क्या झांकता, बाहर निकल। अबे ए, कांच क्यों तोड़ा? और तूने जो मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसका कुछ नहीं। इस दिल के टुकड़े हुए 1000, कुछ यहाँ गिरे, कुछ वहाँ गिरे, कुछ पीछे गिरे,
कुछ आगे गिरे। पंगा लेता है वो भी तानिया से। अरे ओ जाना यार, आम का नाटक कर रही है। अबे कहाँ छुप गया डरपोक, बाहर निकल, घोड़े पे बैठेगा आज मैं तुझे, गधे पर बैठाऊंगी। टुड़ुक टुड़ुक टुड़ुक, गधा क्या समझता अपने आप को, समझता कि तानिया तेरे बगैर मर जाएगी। नौटंकी दूती यू लेडी आई मारिंग नो मारिंग। कहाँ चली गई है? अच्छा चली गई। Yeah!
वेरी गुड। रुपए आपके सामने हैं, हीरे कब मिलेंगे? बस पहुंचते ही होंगे। पिताम्बर, रंजीत बोल रहा हूं। रुपए मिल गए हैं, हीरे कब आ रहे हैं? बस 10-15 मिनट में हीरे टीटू के साथ भेज रहा हूं। अरे अपना नीलाम भर रहे हैं उसके साथ। हाँ यला, तरह संभल के जाना। डोंट वरी, यू डोंट वरी। अरे तेरे होते हुए काय का भरी है, फिर भी संभल के जाना। चलो जा रहे, कमल के साथ में रहना। तो हो ताज अच्छा बच्चे, पूरी ट्रेन भर के लाए? एक दो तीन चार पांच तक्का। क्यों रहे हो तुम लोग? एए, लड़ाई बंद करो। बंद करना। बोल कहाँ पे है हीरे? देता हूँ, देता हूँ। अच्छा, उसे सोना इसलिए वापस किया था कि आज तुझे इतने सारे हीरे मिल जाए। ए, इतना बड़ा हाथ मारा है मेरे मेरे 20 रुपए दे। ये महोदय मेरे डैडी के साथ क्या हो सकता है? मैडम, ऐसे लोगों का पुलिस से अक्सर मिलना जुलना होता रहता है। हाँ क्यों? क्योंकि ये साहब मारधाड़ तोड़फोड़ कंपनी के मालिक हैं और अक्सर पुलिस के मेहमान बने रहते हैं। ओ, तो इनकी ये खूबियां हैं, हमें अब पता चला। चलो ठीक है, आज इनकी मेहमान नवाजी हम कर देते हैं। किसे तलाश कर रही हो? डैडी, 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 वो जो लड़का था ना अभी, वो कहाँ चला गया डैडी? वो उसे मैंने भगा दिया। अरे मुझसे आके कहने लगा कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, मुझसे कहने लगा। क्या ये सच है? क्या ये सच है? No, क्या ये सच है? नो नो नो
नो डैडी, ये सच नहीं है डैडी। हाँ, मुझे मालूम था, मैंने उससे कह दिया। मैंने कहा मेरी लड़की ऐसे आवारा लड़कों के इश्क में नहीं पड़ती, उन्हें जूतों की नोक पे रखती है। हाँ। बिल्कुल डैडी, जूते की नोक पे रखती है। हाँ डैडी, आपने सच कुछ ऐसा कह दिया? हाँ, मैंने कहा खबरदार, अगर मेरी बेटी के चक्कर में पड़ा तो जेल की चक्की पिसवाऊंगा तुझसे। हाँ, और अपनी बेटी से जूते भी खिलवाऊंगा। डैडी, उसने कुछ नहीं कहा? वो क्या कहता, डरपोक चला गया। साला प्यार भी करता है और कहता भी कुछ नहीं। हाँ। यार, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तूने गाड़ी यहाँ क्यों रुकवाई है? अरे यार, तू क्या समझेगी, मालूम है यहाँ देवा आ रहा है और मुझे तो पूरा यकीन है कि वो किसी न किसी लड़की से मिलने आ रहा है। मान ले किसी लड़की से वो मिलने आ भी रहा है तो तू क्या कर लेगी? मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तो बस एक छोटा सा काम करूँगी, उसके बाल पकड़ूंगी और यूं खींचूंगी और उसकी पिटाई 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 करूंगी और उससे सिर्फ इतना कहूंगी कि देवा, आज के बाद तेरा मेरा रिलेशन सारा खत्म, तू जा अपने घर। यार तू तो बड़ी बिंदास है, एक ही मिनट में आर या पार। मैं तो बस ऐसे ही हूँ यार। कौन है? अंकल? अंकल कहाँ जा रहे हैं? मैं देवा से मिलने जा रहा हूँ। देवा यहाँ आपसे मिलने आ रहा है? मैंने उसे बुलाया। मैं तो कुछ और ही समझी थी। वो राजा हीरे लेकर चला गया, मेरे 20 रुपए भी नहीं दिए उसने, और सारे हीरे लेकर चला गया। मैं उसे बता दूंगा कि राजा कहाँ है। अंकल आपको मेरी कसम है, आप उसे बिल्कुल नहीं बताएंगे। हाँ ठीक है, कसम दे रही हो? कोई बात नहीं, नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। ओके थैंक यू अंकल। आपको 20 रुपए चाहिए ना? ये लीजिए। नहीं मेरे बच्चों, बच्चों से पैसे नहीं लेते। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। हो गई तसल्ली, अब चले। ए, सबको धो दिया, पिटाई कर दी और ले गया सब कुछ, सब कुछ ले गया वो साला, वो हीरे ले गया लेकिन मेरी दारू के 20 रुपए नहीं दे गया। राजा हीरे ले गया साहब, ये सब 20 रुपए देना। अरे वाह, 50 का नोट, 2 दिन चलेगा साहब। अब बता राजा कहाँ है? नहीं बताऊंगा साहब, नहीं बताऊंगा, कसम दी है बच्ची ने मुझे, नहीं बताऊंगा। अरे पीने वालों को पीने का। लेकिन मैं राजा को ढूंढ लूंगा और वो भी हीरो के साथ। कहाँ गए थे तुम लोग? ये टाइम है तुम लोगों के आने का? पहले अलार्म वाली घड़ी थी, अलार्म बजता था, मेरी नींद खुल जाती थी, पर अब कभी अलार्म नहीं बजेगा, कभी मेरी नींद नहीं खुलेगी। क्यों, मरने वाले हो? नहीं वो बात नहीं है सर, पर आपके डर से काले धंधे वालों ने हाथ मिलाना ही बंद कर दिया। पहले सर वो हाथ मिलाते ही हाथ गर्म कर देते थे, लेकिन अब कल लल्लू की चड्डियां खरीदने के लिए अलार्म वाली घड़ी बेचनी पड़ गई। और तुम्हारी देर की वजह? मैं किसी और नौकरी की तलाश में गया था सर, ये पुलिस की तनख्वाह से न तो मेरी बीवी खुश है न मेरा घर चलता है। जब से आप आए हैं ऊपर की आमदनी बंद हो गई है। कल मेरी धर्मपत्नी राम कटोरी रो रो के कह रही थी, मुन्ने के बापू, घुट घुट के जीने से अच्छा है किसी पैसे वाले के साथ भाग जाऊं। अभी तो सिर्फ कह रही थी साहब, कहीं उसने कर दिखाया तो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। कर दिखाया तो? नहीं नहीं ऐसा। कर दिखाया तो? अरे शट अप यार, तुम लोगों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सोचिए, जल्दी सोचिए सर, मेरा अलार्म कब बजेगा? क्या है सर? आइडिया। आइडिया? व्हाट आइडिया? प्राइम मिनिस्टर फंड, चीफ मिनिस्टर फंड, भूकंप रिलीफ फंड,
हाँ, बारिश रिलीफ फंड, हाँ, तेज हवा रिलीफ फंड, हाँ, स्लो हवा रिलीफ फंड, हाँ, सबके लिए फंड है, हाँ, लेकिन हम पुलिस वालों के लिए कोई फंड नहीं, लेकिन अब फंड होगा, मैं तुम लोगों के लिए फंड बनाऊंगा, चिंता मत करो हवलदार, मैं तुम जैसे भाइयों के लिए ये फंड जरूर बनाऊंगा। लगता है ये डीसी को मिलने का हमारा इच्छा अधूरा रह जाएगा। अगर ये डीसी हिंदुस्तान का आ रहा है, ये डीसी क्या चीज है? डीसी एक चमत्कार है, चमत्कार जानते हो, जिसके सर पर वो हाथ रख देता है उसकी पुश्तों की किस्मत चमका देता है। डीसी दो नंबर के काम करने वाले हर इंसान का भगवान है। हमारी तरह हर एक इंसान सुबह शाम भगवान का नहीं, डीसी के नाम का दिया जलाता है। डीसी अंडरवर्ल्ड का किंग है, किंग। अच्छा, सुना है तू मेरी मौत बनकर मुझे ढूंढ रहा है और मैं तेरी मौत बनकर तेरे सामने हूं, क्या ख्याल है? ना ज्यादा बोलता हूं ना ज्यादा सुनता हूं। अगर तुझे पता चला कि देवा तुझे ढूंढ रहा है तो वजह भी पता होगी। हाँ, राजा को वही ढूंढता है जिसके दिन भर जाते हैं, क्या ख्याल है? फड़फड़ाना छोड़ और मुद्दे पर आ। कल रात मेरे इन साथियों के 30 करोड़ के हीरे लूट लिए गए। लुटेरे का और तेरा हुलिया एक है। 24 घंटे के अंदर मुझे वो हीरे मिल जाने चाहिए, वरना 24 घंटे? अरे 24 घंटे क्यों, अभी ले। ये रहे 30 करोड़ के हीरे, हिम्मत है तो उठा ले, क्या ख्याल है? ये रो तुम्हारे हीरे। ऊपर से हरी मिर्च और धनिया। अरे यार क्या पड़ रही है? ओ हाय हाय, तू कब आई? अरे यार वो क्या है, मैं ये साबित करना चाहती हूँ, बड़े घर की बेटी हुई तो क्या हुआ, मैं भी अच्छा खाना बनाकर खिला सकती हूँ। पर तू ये किससे साबित करना चाहती है? यार मैं उस देवा को साबित करना चाहती हूँ। पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ? कल उसने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी।
क्या कहा उसने? पता है यार, कल मैं उसके घर गई थी, वो भूखा था यार। मैंने उसे कह दिया कि चल मैं तुझे खाना बनाकर खिला देती हूँ, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? क्या? कहने लगा कि तुम तो बड़े घर की बेटी हो, जिसने कभी किचन की शक्ल तक ना देखी हो। अगर वो गलती से किसी को खाना बनाकर खिला दे तो वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकता है। ऐसे भी कोई बात हुई? उसने तुझे इतना कुछ कहा और तूने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? तू क्या सोचती है, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैंने भी साफ साफ कह दिया। तुम क्या समझते हो, मुझे खाना बनाना नहीं आता? सही कटा, बड़ा कह रहा था, मेरे पेट के बड़े नखरे हैं, जरा सी भी नमक मिर्च इधर उधर हो गया तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अब बजेगा बैंड और मैं देखूंगी तमाशा, क्योंकि क्योंकि ये है जमाल घोटा। बच्चू तू आज बैंड बजा ही दे। इतनी अच्छी खुशबू। अरे कहाँ हो प्रीति बेटे? प्रीति हाय। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू अंकल। ओह मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। ये लो, थैंक यू, ये तुम्हारा तोहफा। अंकल इस बात ने ये तो साबित कर दिया कि आप दूसरों के लिए कुछ भी होंगे, लेकिन मेरे लिए तो आपने प्यारे 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 से अंकल हैं। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। खुश रहो बेटे, आबाद रहो। अपने इस अंकल को पागल ही रहने दो बेटे, दुनिया जो समझती है वो समझे। हैप्पी बर्थडे बेटे। बाय अंकल। अरे बेटी ये सुबह सुबह तुम्हें गिफ्ट कौन दे गया भाई? देखिए ना डैडी, जिन्हें सारी दुनिया पागल कहती है उन्हें आज मेरा बर्थडे याद था, और आज वो मेरे लिए ये गिफ्ट भी लेकर आए, और आपको याद नहीं है देखो बिल्कुल भी। आई एम सॉरी बेटी, गलती हो गई। आई एम सॉरी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू डियर प्रीति। क्या दिलाओगे आज? अरे तुम जो कहोगी वो दिलाऊंगा, चलो मेरे साथ। दिलाओगे? हाँ तो कहो हमारी बेटी को क्या गिफ्ट चाहिए। डैडी पहले आप प्रॉमिस कीजिए, मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, तुम मांगो तो सही। अच्छा डैडी एक बात बताओ, अंकल पागल कैसे हो गए थे? ये भी कोई गिफ्ट हुई है? ये जान के तुम क्या करोगी? मैं आपसे जब भी पूछने की कोशिश करती हूँ आप हमेशा टाल जाते हो, लेकिन इस बार आपको बताना पड़ेगा। अच्छा बाबा बताता हूँ, आओ। बेटी आज से 21 साल पहले की बात है, जिसे तुम पागल समझती हो ना, वो इस शहर का बहुत ही मशहूर आदमी था, सेठ धर्मचंद। अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ बहुत ही खुशहाल था कि अचानक उनके 3 पुराने दोस्त रंजीत, नागर और पीताम्बर उनकी हस्ती खेलती जिंदगी में दाखिल हुए। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। नमस्ते। चलो चलो चलो। नमस्ते। भाभी जी, मैंने तो कभी देखा नहीं। भाभी जी धर्मचंद जी घर में हैं? आप लोग कौन? हम उनके पुराने दोस्त। हाँ जी नैरोबी से आए हैं। हाँ जी पता नहीं। अच्छा सुना, आप लोग बैठिए मैं उन्हें बुलाती हूँ। जाओ बच्चों पापा को बुला के लाओ। अच्छा मम्मी। पीताम्बर नागर, ये तो वाकई बहुत बड़ा अमीर आदमी है यार, हम कब बनेंगे? बनेंगे रे। ये डील के बाद बनेंगे। चलो बैठो। No.
ये लोग? गुड इवनिंग सर। नमस्ते। आज ये तिगड़ी एक साथ यहाँ? सर वी आर सॉरी, हमने आपको इस वक्त परेशान किया। वो बात ये थी कि एक बहुत बड़े डील का प्रपोजल आया है, इसलिए आपसे मिलना बहुत जरूरी था। डील? कैसी डील? क्या आप 1 अरब डालेगा तो 8 दिन के बाद 4 अरब मिलेगा। हाँ जी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बैठिए आप लोग। थैंक यू सर। कहिए कैसी डील है? हीरोइन का डील है। आई सी। जी क्या है, वो पार्टी हमारे साथ इसलिए डील करना, आप हमारे साथ है। तुम तीनों जब भी यहाँ आते हो तो हमेशा अफीम, चरस, गांजा, कोकेन, हीरोइन, इन सब की बातें करते हो। तुम तीनों ने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारे गुनाहों में शामिल हो जाएंगे? इसमें सोचने की क्या बात है जी? क्योंकि कल आप हमारे साथी थे और आज आप हिंदुस्तान के 1 नंबर के अमीर हो। सो तो है, और ये हमारी ईमानदारी और मेहनत का नतीजा है। धर्मचंद जी, हम भी बहुत ईमानदार बनना चाहते हैं, आपकी तरह अमीर बनना चाहते हैं। सिर्फ 1 अरब रुपया एक बार हमको फाइनेंस कर दीजिए। धर्मचंद जी, हमारे दोस्ती के खातिर। देखिए धर्मचंद अपनी दोस्ती की खातिर कुछ भी कर सकता है, कितना रुपया भी खर्च कर सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लेकिन शैतानियत के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मतलब? धर्मचंद जी, यह हमारा आखिरी सौदा है। एक बार इसमें दौलत मिल गया वो हराम का पैसे के पीछे देखेगा भी नहीं। हराम की दौलत कुत्ते के मुंह लगी हुई हड्डी की तरह होती है, जब उसे स्वाद आने लगता है ना तो उसे छोड़ता नहीं, चबाने लगता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कुत्ता दोस्ती निभा दी। धर्मचंद जी, दोस्ती वैसी बातें चलती रहती है, आपको मालूम है। ये गाली नहीं है रंजीत साहब, एक मिसाल है। मिसाल? धर्मचंद जी, एक मिसाल मुझे भी बड़ी अच्छी तरह याद है। हर कुत्ते के दिन बदलते हैं। रंजीत, शट योर माउथ अप। Get out from here. Get up. देखिए आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा बुरा आप मुझ पर छोड़ दीजिए, एक बात याद रखिए, तुम्हारे जैसे घटिया कमीने लोग हम जैसे लोगों के साथ रिश्ता रखने के काबिल नहीं होते। I say get out. इसकी अंग्रेजी तो निकालनी पड़ेगी। चलो। तो फिर जब धर्मचंद ने उन तीनों के काले धंधे में उनका साथ देने से मना कर दिया तो उन तीनों ने उनसे बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब धर्मचंद अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे तो पीछे से उन तीनों ने मिलकर उनके घर परिवार पर कब्जा कर लिया और उनके तीनों बेटों को बंदी बना लिया। जब टूर से वापस धर्मचंद आए तो उन्होंने अपने घर का नक्शा बदला हुआ पाया। छुक 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 प्यार की रे।
बंगले का मालिक हूँ, कामनी मेम साहब का। कौन कामनी मेम साहब? इस बंगले के मालिक की पार्टी बाहर चल रही है। बंगले के मालिक की पार्टी बाहर चल रही है? देखता हूँ कौन है इस बंगले का मालिक। What the hell is on? लीजिए, क्या तमाशा है ये? तमाशा? अरे यार, ये तुम्हें तमाशा लग रहा है? ये तमाशा नहीं है, ये तो स्वागत हो रहा है इन लोगों का, जिनके साथ हम तुम्हारे जरिए अरबों की डील करने वाले हैं। डील? कैसी डील? कौन सी डील? और कौन है ये लोग? अरे बता ना यार। आप इन लोगों को जानते नहीं? ये है मिस्टर जैक्सन, कोकेन के बिजनेस के बेताज बादशाह। बेताज बादशाह? जहर बेचने वाले क्रिमिनल्स हैं ये लोग। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन लगाता हूं और तुम सबको जिंदगी भर के लिए जेल भिजवाता हूं। कर रहे हैं, कमिश्नर को फोन कर। उधर कमिश्नर का फोन का घंटी बजेगा, इधर ये रिमोट इसका बटन दबेगा। उधर देख, उस ग्लास के पीछे तुम्हारा बीबी बच्चा। कामनी, मेरे बच्चे? पूरा बारूद बिखेर कर रखा, यह बटन दबाएगा। ओम स्वाहा कर, फोन कर। तुम लोग ये नहीं कर सकते? हम ये नहीं कर सकते? अरे बाबा, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े हरामी हैं। पिताम्बर, अपना रिमोट कंट्रोल निकालो जी। रिमोट कंट्रोल? अब इसका बटन दबाओ जी, ताकि इस हरामजादे को पता लग जाए कि हम लोग कितने हरामी हैं। ये नहीं कर सकते। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए क्या कर सकता तू? बोलो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बच्चे मेरी जान है। देखो, मैं अपनी जायदाद की एक एक पाई तुम सबके नाम कर सकता हूँ। मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। मैं ये सौदा तो क्या इससे बड़ा सौदा भी कर सकता हूँ? अरे वेरी गुड पार्टनर। ये हुई ना बात। हमको मालूम था कि तुम ये सब कुछ करेगा। ये पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दे, ताकि हम तुम्हारे भी बच्चों को छोड़ दे। करता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को साइन कर पहले। ये लीजिए, इधर भी कर। बांधो साले को। नहीं नहीं नहीं, अगर सब कुछ तो ले लिया तुम लोगों ने। अरे देखो, अब क्या चाहिए? इसकी सारी जायदाद हमारी हो गई। अरे हो गया, नाचो कूदो, इसका देखना। देखना ये देख।
अच्छा म्यूजिक है जी। सब खत्म। बाद में हमसे कोई बदला ना ले, इसलिए सबसे पहले सपोले को मिटा दिया। सपोलो को मिटा दिया, सपोलो को मिटा दिया, सपोलो को मिटा दिया, सपोलो को मिटा दिया, सपोल। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, डम डम डम, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। एक बार फिर करना, एक बार फिर डम 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 डम, एक बार फिर करना, बहुत मजा आया। सपोलो को मिटा दिया, सपोलो को मिटा दिया, सपोलो को मिटा दिया, सवालों 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 को मिटा दिया। बर्दाश्त नहीं हुआ। एक बार फिर करना, एक बार फिर करना, आना। ये पागल हो गया। अजब, डम डम डम। पागल खाने में डाल देते, वही सड़ सड़ कर मरेगा। ओए गुडारिया यार, हाथ मिला। हाथी पीली अपने हाथ इसके खून से क्यों रंगे हम? डम डम डम। ओह नो डैडी। हाँ बेटी, उन दिनों मेरी पोस्टिंग पंजाब में थी, इसलिए मैं उनकी कोई मदद भी नहीं कर पाया। काफी अरसे के बाद जब मैं किसी काम से यहाँ आया तो धर्मचंद एक पागल के रूप में मेरे सामने आए। ओह नो। तब तक उन तीनों बदमाशों ने अपनी काली करतूतों के सारे सबूत मिटा दिए थे। तब से लेकर धर्मचंद इन तीनों से बदला लेने के लिए आज तक इस हालात में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। Also think he needs to go back home and get a few lessons from his mother. छक्का छक्का, अभी देखना गांगुली ना एक साथ छह छक्के मारेगा। अरे छह छक्के एक साथ? हाँ लगी शर्त। ठीक है, अगर गांगुली ने छक्का मारा तो तुम मुझे किस करोगे, नहीं मारा तो मैं तुम्हें किस करूंगा। ओके ओके। I think there are a couple of people who need to have a word with Andre Neo. One is his captain, Sean Pollock. Main jeet gayi. Sorry, Ganguly. Hara diya na. Ab to mujhe kiss karna hi padega. Stop it. Kya hua? Kya hua matlab? Pehle ye to batao, shart kya thi? Are bhai, shart ye thi ki agar Ganguly ne chhakka mara to tum mujhe kiss karoge, agar nahi mara to main tumhe kiss karunga. Haan? Haan. ये वैन का चाबी, हमारा जिंदगी भर का कमाई इसमें है देवा। और अगर माल सही सलामत पहुंच गया, हमारी और तुम्हारी साथ पुश्ते ऐश करेंगी। अच्छा। हमें सिर्फ तुम पर ही भरोसा है देवा। देवा आप लोगों के भरोसे पर खरा उतरने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। गुड बाय।
उस दिन करोड़ों के हीरे इसीलिए लौटाए थे ताकि अरबों में वापस मिले। क्यों बच्चे, क्या ख्याल है? ये सब, अरे कुछ नहीं गवर्नमेंट जी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ ना? जी सर। ले आओ साला को। जी सर, जी सर। देखा ना साले, आधा आधा कर लेते तो अच्छा होता, ले गए ना गवर्नमेंट। चलो आइए आइए, मैं जानता था तुम लोग जरूर आओगे। हमारा ट्रक जो पकड़ा है, जानते हो उसमें हमारी जिंदगी भर की कमाई है। जिंदगी भर की कमाई? अरे जिंदगी के काम तो तब आएगी जब जिंदगी उस काबिल रहेगी, तब ना। देखो इंस्पेक्टर, देखो इंस्पेक्टर नहीं, देखिए इंस्पेक्टर साहब, उस ट्रक में हमारा अरबों का माल है, तुमको जो चाहिए हम देने को तैयार है। पीताम्बर ठीक कह रहे हैं, आप जितना भी हिस्सा चाहो ले सकते हैं। हिस्सा? हवलदार जी साहब, बंद कर दो शहर के इन इज्जतदार गुनेगारों को, और प्रेस वालों को फोन करके बुलाओ, इनकी फोटो हर अखबार में छपनी चाहिए ताकि इनकी इज्जत का बैंड बच जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं, जहां तक हिस्से का सवाल है वो तो अरबों रुपए का 30% मुझे मिलेगा ही, किसी का पाप भी नहीं रोक सकता। हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मुझे मेडल और तरक्की ना मिले और तुम्हें भी जेल ना हो, तो वो ट्रक में जो अरबों का माल है वो फिनिश। व्हाट मतलब, आप पूरा का पूरा ट्रक हड़प जाएंगे? अपना काम करने का स्टाइल इंग्लिश है, बोलो मंजूर है या? हाँ, आप बहुत समझदार हैं इंस्पेक्टर साहब, आओ। लेकिन वक्त की नजाकत को समझो नागर, अपनी दुखती रग इनके हाथ में, चलें। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत कहा आपने, दुखती रग नहीं, तुम लोगों की गर्दन अमर के सिकंजे में। हाँ इंस्पेक्टर अमर। यस सर। डीआईजी। जी सर। अरे वो तीनों मुजरिम पीताम्बर, रंजीत और नागर इस वक्त मेरे पास किसी मिनिस्टर की सिफारिश लेके आए हैं। जी। तुम फौरन यहाँ आकर उन्हें गिरफ्तार कर लो, ओके? यस सर। मुझे मालूम था तुम लोग मेरे लिए खाई खोदने जाओगे और उसी खाई में गर्क भी हो जाओगे। अब बोलो, माल को भूलना है या जेल की सलाखों के पीछे जाना है? नहीं, हमको जेल में नहीं जाने का है। हमें माल भी नहीं चाहिए,
मुझे मालूम था तुम लोग यही कहोगे। लेकिन हमारी गिरफ्तारी का पता डीआईजी साहब को तो है, अगर वो पूछेंगे तो। हमारा काम करने का स्टाइल जरा इंग्लिश है। वहां आने से पहले हमने तुम्हारे जमानत के पेपर तैयार करवा लिए थे, अंडरस्टैंड? अब जाओ और ऐश करो। ओह, यू आर अ वंडरफुल मैन यार। ये देखो, ये जो साहब, सलाम साहब, साहब कमाल हो गया साहब, वो तीनों बदमाश कंगाल हो गए। अरे साहब, दो दो कौड़ी के मोहताज हो गए वो लोग। अब वो जाएंगे अपने डीसी के पास 20 रुपए मांगने, क्योंकि अब डीसी के अलावा उनका और कोई सहारा नहीं। अब आएगा मजा। हाँ तो इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, मार्केट के अंदर जो झगड़े हुए थे और दो गुंडे पकड़े गए उसके बारे में रिपोर्ट। सर, हम जैसे ही मार्केट पहुंचे अपनी गाड़ी पार्क की और सारी मार्केट को घेर लिया, और जैसे ही हमने अटैक किया। जैसे ही हमने क्या? सर, जैसे ही हम मार्केट गए अपनी गाड़ियां पार्क की और पूरी मार्केट को घेर लिया, और जैसे ही हमने अटैक किया। सर, जैसे ही हम मार्केट गए अपनी गाड़ियां पार्क की और सारी जगह को घेर लिया, और जैसे ही हमने अटैक किया। क्या हो रहा है? सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है तुम्हारे पटलून में। मैं यहाँ का डिपार्टमेंट कैसे संभालूंगा अगर मुझे तुम जैसे अफसर मिलने लगे? हाँ, तुम पुलिस स्टेशन कैसे संभालोगे जो अपनी पटलून नहीं संभाल सकता? आउट, आउट, गेट आउट। यस सर। अच्छा, तो ये सारी हरकतें तुम्हारी थी। गेट आउट, गेट आउट, गेट इन। नरेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह। सर, जरा अंदर आना। यस सर। आओ आओ नरेंद्र, आओ 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 मेरे साथ। तुम जैसे होनहार ऑफिसर ही चाहिए मुझे। नहीं नहीं सर, आप एक दिन तो कमिश्नर बनोगे, बैठ के देखो कैसा लगता है। बैठो बैठो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। कमिश्नर नरेंद्र सिंह, तुम मेरी कुर्सी में बैठ के क्या कर रहे हो? गेट आउट, आउट। बहुत कमाल है। मेरी चेयर पे बैठ गया। जिया लाल, जिया लाल तू जिंदा हो जा, मैं तुमको छोड़ूंगा। अरे बारे अरे बारे पियो यार। ये किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ रंजीत बोल रहा हूँ। क्या, कब? रियली? वाह वाह वाह, वंडरफुल यार, फैंटास्टिक। थैंक यू फॉर द गुड न्यूज यार, फैंटास्टिक। अरे ऐसी कौन सी खुशखबरी मिली है जिसे सुनकर तू पागल हो गया? अरे नागर, तू सुनेगा तो तू भी पागल हो जाएगा। क्या हुआ? डीसी हिंदुस्तान पहुंच गया है। हाँ, कल ही पहुंचा है, और उसे एक बहुत बड़ा जश्न मनाने के लिए कल एक पार्टी रखी है। हाँ? और हम तीनों को स्पेशली बुलाया है। अच्छा, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। और बहुत जल्दी हम इस अंडरवर्ल्ड के किंग बन जाएंगे। किंग। ऐसा वैसा वैसा 20 रुपए देना, 20 रुपए देना। मेरे को दारू पीने की, बहुत पीनी दारू पी। धक्के मार के बाहर निकलो। आया भी नहीं है, दुकान नहीं भी। क्या नाम है? 20 रुपए देना। ऐसा 20 रुपए। क्या रे? ये डीसी है कौन? ये डीसी है कौन? है किधर? है किधर है डीसी? Your attention please.
Ladies and gentlemen, let me introduce Mr. DC. ये क्या देख रहे हैं जी? हम ये किसी चक्कर में तो नहीं आ रहे हम लोग? नहीं है, हम खामखा डर रहे हैं। हो सकता है वो पागल इसका डुप्लीकेट हो। मेरा भी यही ख्याल है। हेलो बॉयज। हेलो हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। बोल रहे हैं यार। ये उस पागल का हमशक्ल भी हो सकता है। थैंक गॉड। ए 20 रुपए देना, मुझे दारू पीनी है। किसको दिखाएं दिल, दिल में खुशी के लाले हैं। इन दोस्तों के खुलूस हमसे मत पूछो, हमने दामन में नाग पाले हैं और अब इन नागों के फन कुचलने आए हैं हम यानी कि डीसी धर्मचंद। धर्मचंद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग नाग हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम हाथ जोड़ता धर्मचंद जी, क्या है कि अपनी मेहरबानी का हाथ हमारे सर पर रख के हमको अंडरवर्ल्ड का किंग बना दो जी। भिखारी कभी किंग नहीं हो सकते, वो तो हमेशा भिखारी रहते हैं। और तीन किंग तो हम पहले ही बना चुके हैं। जानते हो तीनों को? ये इंस्पेक्टर अमर, ये इंस्पेक्टर राजा और इंस्पेक्टर देवा, ये है हमारे तीनों बेटे। क्यों हैरान हो गए ना इन्हें देखकर? तुमने तो इन्हें जिंदा ही जला दिया था, मगर एक बहुत मशहूर कहावत है कि जाको राखी साईया मार सके ना कोई। इससे पहले कि तुम हमारा घर ब्लास्ट करते, हमारे वफादारों ने तुम लोगों से आंख बचाकर इन तीनों को बचा लिया, और हमने इन्हें मोहरे बनाकर तुम लोगों को खोखला और कंगाल करने के लिए तुम लोगों की जिंदगी की शतरंज में छोड़ दिया। क्यों कैसी रही? अपना काम करने का स्टाइल जरा इंग्लिश है। वेरी गुड। अच्छा ये तो बताओ कि उनके रिएक्शंस क्या थे, उनकी शक्लें कैसी थी? अर्जुन भाई साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे धर्मचंद से डीसी बनाकर उन तीनों कमीनों को तो ऐसा झांसा दिया कि वे मुझे ही अंडरवर्ल्ड का असली विदेशी डॉन डीसी समझ बैठे जिसके भारत आने को बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि वो यहां आकर उन्हें फिर से अंडरवर्ल्ड का किंग बना दे। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि उन्हें कंगाल और भिखारी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं और मेरे साथ अमर, राजा और देवा थे, तो उन तीनों की हालत देखने लायक थी। काश आपने भी उनकी वो हालत देखी होती अर्जुन भाई साहब। लेकिन धर्मचंद, उन तीनों बदमाशों की जगह जेल की सलाखों के पीछे है। अगर तुम मुझे नहीं रोकते ना,
तो मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। मैं भी यही चाहता था डीआईजी साहब कि जिस तरह उन्होंने मेरा सब कुछ छीन कर मुझे बर्बाद किया था, उसी तरह वो भी जेल की कोठरी के पीछे नहीं बल्कि कंगाल और भिखारी बनकर दर दर की ठोकरे खाते फिरे हैं। भाई ये तो तुम्हारी हिम्मत है जो इतने दिनों तक पागल बनकर उनका भेद लेते रहे और अमर राजा और देवा के साथ मिलकर बड़ी होशियारी और चलाकी के साथ उन्हें खोखला और कंगाल कर दिया। लेकिन डीआईजी साहब, आपकी मदद और प्लानिंग के बिना ये सब नामुमकिन था। भाई साहब, अगर मेरे पागल होने के बाद आपने यहां आकर मेरा इलाज नहीं कराया होता तो मैं अमर, देवा और राजा को पुलिस में भर्ती कराकर इस लायक नहीं बना पाता और ना ही आज मेरा ये इंतकाम पूरा हो सकता था। भाई साहब, मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भुला पाऊंगा। भगवान जो चाहता है ना वही होता है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। डर तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि वो तीनों बदमाश अब भी आजाद हैं, कहीं वो फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। आप फिक्र मत कीजिए अर्जुन भाई साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पहले मैं बहुत अकेला था, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन अब मेरे तीनों बेटे जवान हैं और पुलिस में इंस्पेक्टर भी। और सोने पे सुहागा तो ये है कि अब आप हमारे साथ हैं। अब हम पांचों के पांचों, यानी अमर, राजा, देवा, आप और मैं, पांचों पांडव मिलकर किसी भी होने वाली महाभारत का मुकाबला मिलकर कर सकते हैं। बिल्कुल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रेजेंट कहाँ है? आज मैं तुम्हें ऐसा प्रेजेंट दूंगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अच्छा तो कहाँ है जनाब? एक मिनट में लेके। मैं भी चलूंगी। अरे सुनो तो सही, तुम फोन अटेंड करो, मैं भी आता हूँ। हेलो, थैंक यू। तुम लोग आए क्यों नहीं? भागो। छोड़ के ले जा सकते बिना, नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हें, बिना कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, नहीं नहीं बिना, नहीं। जिस खुशखबरी का हमको इंतजार था वो खबर पलटी का गया, अमर मरा नहीं, बच गया। कैसा लगा मीना की चिता को आग लगाने से? हरामखोर, जिस तरह मैंने मीना की चिता में आग लगाई है उसी तरह तुम लोगों की चिता ना जलाई तो मीना की कसम मैं चैन से नहीं जीऊंगा। तुम हर रोज एक नई चिता जलाने के लिए तैयार रहो, बस तू एक बार मेरे
कहती थी मैं तुम्हारी जिंदगी हूं, जिंदगी तो चली गई और मैं रह गया। मार डाला मेरी मीना को, मिटा दिया मेरी जिंदगी को और मैं कुछ ना कर सका। किया इतना तो किया, इन्हीं भाव में मीना को आखिरी सांस लेते देखा है, दम तोड़ते देखा है, इन्हीं हाथों से चिता जलाकर राख कर दिया अपनी मीना को। फिर भी मैं जिंदा रहा, मैं जिंदा रहूंगा, तब तक जिंदा रहूंगा जब तक उन कमीनों को जिंदा नहीं जला दूंगा। जिन लोगों ने मुझसे मेरी मीना को छीना है, छीन लिया मेरी मीना को, जाने क्यों तेरी याद।
अपनी तरफ मुझको खींचे दीवाना दिल ये अखियों को मींचे दीवाना दिल ये अखियों को मींचे चलता है यादों के पीछे तू छुपी है के गम से बाहर निकला या नहीं? कौन बोल रहा है तू? मैं नागर बोल रहा हूँ। कमीनो, तुम अपनी मीना की चिता तो जला चुके हो, अब अपने दोनों भाइयों की चिता जलाने के लिए तैयार रहो। कहाँ मेरे भाई? हमारे कब्जे में है, मौत का इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरे भाइयों को कुछ हुआ तो? नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर तू उन्हें बचाना चाहता है और बचा सकता है तो आ जाना, हम लोग पुराने खंडर में है? मेरे भाई कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है इंस्पेक्टर, वो भी अभी आते ही होंगे। इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। हाँ इंस्पेक्टर, हम भी तुम्हारा चाल चला। दो इन सालों को नागर जरा डीसी को फोन लगा, उसको बोल उसके तीनों प्यादे हमारे कब्जे में। हेलो, मैं नागर बोल रहा हूं धर्मचंद, तेरे तीनों प्यादे हमारे कब्जे में, फोन रख और पुराने खंडर में आकर अपने तीनों प्यादों की जान का सौदा कर ले। Thank you.
हेलो 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 डीआईजी साहब। हाँ। मैं धर्मचंद बोल रहा हूँ। भाई साहब एक बहुत बुरी खबर है, उन तीनों बदमाशों ने राजा अमर और देवा को किडनैप कर लिया है और उन तीनों बदमाशों ने मुझे फोन करके पुराने किले में बुलवाया है। भाई साहब मैं क्या करूँ? आई नीड योर हेल्प। तुम फिक्र मत करो, तुम वहाँ पहुँचो, हम पूरी पुलिस फोर्स को लेकर अभी पहुँचते हैं। आज इस महाभारत को खत्म ही कर देते हैं, हम अभी पहुँचते हैं। ऊपर ले अपने पिल्लों को आखिरी बार। राजा अमर देवा बांधो रे, इसका मुंह भी बांधो, इसका हाथ भी बांधो, ताकि ये चिल्ला ना सके, फड़फड़ा ना सके। बांधो मुंह पे चिपका दो टेप। ये तीनों को बांधो और बारूद लगा दो। अगर ये डीसी हमारा बात मानने को आना कानी करेगा ना, सीधा उड़ा दो बारूद को। नागर तो सांप की तरह ऐसे क्या करता है? साइन कर, इधर साइन कर, बस हो गया। ए, आग लगा दो बारूद को। और अब बाप के सामने तीनों बेटे जलकर मरेंगे और ये चीखेगा और अब हम इसकी चीखों का मजा लेंगे। हस? हस? मेरी चीखों का मजा लोगे? धर्मचंद नाम है मेरा। हाँ? क्या हुआ सर?
अरे पार्टनर, ये कैसा बाप है ये? अपने बच्चों को जलते हुए देखकर हंस रहा है? मैं ये देखकर हंस रहा हूँ कि बाप अपने बच्चों को मौत के घाट कैसे उतारते हैं। क्या बोलता है बाप? बच्चा क्या बोलता है? हाँ, ये मेरे नहीं तुम्हारे बच्चे हैं। मेरे बच्चों और मेरी बीवी को तो तुम हैवानों ने उसी दिन जलाकर मार डाला था, लेकिन उस सदमे से संभलने के बाद तुम तीनों से बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे बच्चों को मारने के लिए स्कूल पहुंचा था, मगर उन्हें आग में फंसा देखकर मुझे उन पर रहम आ गया था, और आज फिर तुम तीनों अपने हाथों से अपनी औलादों को आग में झोंक रहे हो। लानत है तुम पर। प्रयाग उठो बेटे। पहचानो अपनी अपनी औलाद को, पहचानो। देखो कौन सा बेटा तुम तीनों में से किसका है। भगवान की कृपा से अपना बच्चा लोग नहीं, तुम हमारे बाप नहीं हो सकते। हमारे बाप वो है। तुम्हें अपने खून पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। यू आर अंडर अरेस्ट।